बीएमसी रा सबत पुअ साजी छि दया वेस्ट कैनाल। वेस्ट कैनाल को वेस्ट कैनाल रे परिणत करी छि भुवनेश्वर महानगर निगम। स्वच्छ जल रा स्थान नै छि दुर्गंधमय वर्ज्य जल। दिने काच केन्दु भली निर्मल जल प्रवाहित हेउतबा दया वेस्ट कैनाल रे एबे कुढा कुढा अळिया रे पहाड़ आउ सबु जानी मध्य चुप बसी छि जल संपद विभाग। पाखापाखि 34 किलोमीटर अंचल दे प्रवाहित होउछि दया वेस्ट कैनाल, जहाँकि भुवनेश्वर उपकंठ तथा जटणी अंचल हजार हजार एकर चाष जमि जलसेचन उद्देश्य निर्माण होता। किंतु वर्तमान केनाल केवल वर्ज्य जल निष्कासन मूल माध्यम साजिश हेले एबे जलसेचन तो दूर कथा, साधारण भाव व्यवहार उपयोगी हो रही ना केनाल जल। एपरिक जल संपद विभाग अणदेखा जो भुवनेश्वर मुख्य ड्रेन गुड़िक केनाल संजोग कर जोपाई राजधानी टन टन आवर्जना भितर दया वेस्ट कैनाल एवं विलुप्त प्राय जिते आम बहुबार सरकार को अवगत करूँ एवं लिखित अभियोग करूँ लोक प्रतिनिधि को लिखित अभियोग करूँ विभिन्न कार्यक्रम नहींचु केनाल पुनरुद्धार दया वेस्ट ब्रांच केनाल पुनरुद्धार करने कि किंतु से कथा को कौटि ना कौटि सरकार नाली फिता रे चापी दौर बा कौन सी प्रकार चेष्टा भी करूना मानने सरस सुंदर करने कि जो योजना अच्छी योजनाबद्धक चेष्टा होना अपारक सरकार नवीन सरकार आम दाबी करूँ दया वेस्ट केनाल को सफा कर दि जलसेचन हाँपला जोटा अपारक मुख्यमंत्री खाली घर भितर बस दि चार्टा अफिसर मुझे राजनीति कर लज्जा तो केनाल पुनरुद्धार कार्य सह उभय पार्श्वरे प्रशस्त रास्ता निर्माण पाई 2010 रे 33 कोटी टंकार टेंडर आह्वान करिथिले राज्य सरकार। टेंडर चूड़ांत हेबार दुई वर्ष भितर केनाल पुनरुद्धार कार्य शेष होबा पई लक्ष्य धार्य मध्य करा जायतिला। रास्ता एवं गृह निर्माण विभाग 4 नंबर डिविजन उपरे केनाल कार्यर तदारख दायित्व न्यस्त होइतिला। 8.2 मीटर रो माकड़ा पथर पैचिंग योजना होइतिला। पड़ाशुणी ठार ग्यारेज छक जाए 7.8 किलोमीटर जाए रास्ता पार्श्वरे लुहा रेलिंग लगा जाता। यहसह रास्तार दुई पार्श्वरे 1.5 मीटर ड्रेन निर्माण होता। जो जगार पथर पैचिंग हो पारना सेठारे कंक्रीट कांथ निर्माण पर योजना स्थिर होता। किंतु विड़म्बनार विषय यह भितर बीतीगला 10 वर्षर अधिक समय केनाल आहुरी प्रदूषित और संकुचित होता बेले पुनरुद्धार दिगरे इंचे हेले कार्य आगे पारिनी। अन्यपटे जल संपद विभाग केनाल रु दल निष्कासन करने 2015 रु 2020 मध्य पर्यायक्रमे लक्ष लक्ष टंका खर्च करिछि। हेले दया वेस्ट केनाल रो अवस्था जथा पूर्वं तथा परं बोली स्थानीय बासिंदा अभियोग करिछन्ते। दया वेस्ट केनाल पई केते थार प्रोजेक्ट करा जाउछि किंतु से पैसा रो पैसा कुआडे जाउछि केवल दल काढ़ी देकरे दया वेस्ट केनाल सफा हो गेला बोली कही दौंट कि ना माटी खोला ना किसी होवल दल काढ़ जमा कर दौनी जार कि ना माटी खोला ना दल पुणी नेक्स्ट इयर को जमी दल थी सेमती दल हो बीएमसी ना कौन बीएमसी सफा करुच्ची केनाल ना सफा होपड़ देखते कि अबर कदर्ज हो कि मानने केनालटा ये बहुत उपकृत होते रसुलगढ़ आमर बरगड़ पर्यंत झारपड़ा बरगड़ पर्यंत जिते बासीदा सब मानने असुविधार सम्मुखीन यार दायित्व किए ना कथा या दायित्व बीएमसी र या दायित्व केनाल को ठीक भाव रखा तादी पानी जलर सुपरिचालन करवा यहाँ हूँ प्राची डिजन दायित्व 30 कोटी प्रोजेक्ट 33 कोटी अर्डर देते सीटा सर जा कथा कहीं आटलिस्ट रास्ता तो हो कथा ठीक अच्छे पानी तुम छाड़ पारे ठीक अच्छे रास्ता तो हो कथा लोक सुविधा तो हो कथा एनक्रोचमेंट तो बाहर जा कथा। गत 20 तारीख फेब्रुआरी 2020 विधानसभा जटणी विधायक सुरेश कुमार राउतराय पचारि दया वेस्ट केनाल उन्नतीकरण संपर्कित प्रश्नर उत्तर में जल संपद मंत्री कहते दया वेस्ट ब्रांच केनाल भुवनेश्वर और जटणी ब्लक 2417 हेक्टर को जलसेचन जगैदेवाई निर्माण करा किंतु इतिमध्ये केनाल से चांचल सहरीकरण जो वर्तमान प्राय 1350 हेक्टर जलसेचन जगै दि जाऊँगी। केनाल वर्तमान स्थिति देखले जलसेचन केमिति हेउथिबो ता स्पष्ट बारी हो पड़ुछि। तीर्तोल सुशांत साहू भुवनेश्वर संतोष सेना और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।